मेरा नाम तारिक अहमद है और मैं डल लेक में रहता हूँ। मैं एक हाउस बोट ऑनर हूँ। मसला ये है कि गवर्नमेंट ने जो हमें अनाउंसमेंट किया है कि हम 3,000 रुपये आपको 3 महीने के लिए देंगे, ये जाता है 33 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये हमें दे रहे हैं। तो आप देखिए कि ये हम 5 अगस्त से हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ से हम लोगों ने टूरिस्ट को एडवाइजरी दी थी कि यहाँ से आप निकलिए, यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो वहाँ से लेके 5 अगस्त से लेके अभी तक यहाँ पे टूरिस्ट कोई नहीं आया, टूरिस्ट सारे भाग गए और जो हमारा डिपेंड है सारा टूरिस्ट के ऊपर ही है। तो यहाँ से अनाउंसमेंट किया है कि हम आपको 1,000 रुपये पर मंथ देंगे, वो 33 रुपये पर डे के हिसाब से आता है। मसले तो बहुत है, मसले सिंस लॉन्ग टाइम, यू नो वी आर फेसिंग, स्पेशली टूरिज्म इज़ नो मोर फिनिश हियर सिंस ये 5 तारीख से ज़्यादा ही हुआ। अब हम लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी क्या गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ करेंगे, वो बजाय उसके उन्होंने जो 1,000 रुपया हमारे या हाउस बोट वालों के लिए या होटल वालों के लिए वो डाला है, वो हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा मजाक किया है इन्होंने, सरकार ने। इनको समझना चाहिए था कि इनका खर्चा क्या है और कब से ये सफ़र कर रहे हैं टूरिज़्म के लिए। और जब यात्रा यहाँ था, जब यात्रा इन लास्ट वीक इन्होंने खुद एडवाइजरी जारी की इधर और कहा पूरा टूरिज़्म को निकाला यहाँ से। तो हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमारे लिए हम इस कैबिनेट के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, उसके बजाय हमारा दिल ही दुखा दिया इन्होंने। ये सबसे बड़ा जोक किया इन्होंने हमारे लिए। हम कोई भिखारी नहीं है, हम बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, टूरिज़्म ज़ीरो है इधर। हम इस वक्त क्या मुसीबत में है, खर्चा नहीं है, लॉकडाउन की वजह से हम घरों में बैठे हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं समझे कि ये घर कैसे चला रहे हैं इस टाइम। और हमारे पास कोई नहीं आता है कि आप लोग के पास है कुछ खाने के, खाना ही कुछ नहीं है, खाना तो चलेगा 10 दिन के लिए दे रहे हैं, 15 दिन के लिए, लेकिन कुछ हम तो टोटली नुकसान में है। हाउस बोट का कीमत 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया है और हर फैमिली में 5 मेंबर 6 मेंबर रहते हैं, 1,000 रुपया से क्या बनेगा उनको, ये एक दिन का खर्चा है और हम तो 4-5 महीने से बैठे हैं। सरकार को कुछ गौर करना चाहिए इसके ऊपर कि इनके लिए क्या करेंगे हम। हमको एक्सपेक्टेशन थी कि पैकेज आएगा, पैकेज कुछ ये अनाउंस करेंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि 1,000 रुपये में क्या आएगा 1 महीने का। मैं बोलता हूँ 45 रुपये का दूध का 1 किलो है और हम कहाँ कैसे हम इसके ऊपर रह सकते हैं। ये बड़ा एक मजाक किया हुआ है और हमारी प्रॉपर्टी करोड़ों की है और हमें उस नज़र से देखा गया है कि ये हमारे हाउस बोट जो है इट वर्थ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हमें 1,000 रुपये दिया जा रहा है। इतना हम इस पर खर्च करते हैं, इतना मेंटेनेंस इसका आता है और हमारा जो भी टूरिज़्म है इतना लो है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। इवन इसका हमें मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, ईयरली आता है मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका अराउंड 1 लाख रुपीज़ होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास अभी पैसे नहीं है क्योंकि टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट हमें दे वो, ताकि हम इसको एटलीस्ट ज़िंदा रख सके। ये कश्मीर की शान है, डल लेक कश्मीर की जान है।